मैम के whether you support same sex आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल, कहीं ना कहीं मेडिकली अफेक्टेड भी होंगे। बिल्कुल होंगे। ये रिलेशन शॉर्ट लिव्ड भी हो सकता है। अभी आप देखो ना, अभी जो मंकी पॉक्स वायरस इतना अफ्रीका वगैरह में हो रहा था, उसका मेन रीजन क्या था? ठीक है, मैन टू मैन सेक्स उसका मेन रीजन था। आपको समाज एक्सेप्ट करेगा? मुझे क्यों? ऐसे लोगों को, ऐसे कपल्स को करना चाहिए, आई वुड से करना चाहिए। इंडियन सोसाइटी को चेंज तो होना ही पड़ेगा ना, इंडियन सोसाइटी को चेंज तो होना पड़ेगा, फॉरेन में तो होता ही है। खड़े हैं राजेंद्र नगर के अंदर, जहां पर आईएएस के बच्चे पढ़ते हैं, अपनी क्लासेस लेते हैं। आए जानते हैं कि सेम सेक्स मैरिज के बाबत के उनका क्या रिएक्शन है, क्या ये जस्टिफाइड है, नहीं है, समाज को कितना नुकसान पहुंचाएगा और समाज के लिए कितना फ़ायदेमंद है। आइए जानते हैं इन लोगों की रिएक्शन। क्या आप सेम सेक्स मैरिज को समझते हैं कि हमारे समाज के लिए ज़रूरी हो चुकी है? नहीं देखो सर, कहते हैं ना कि राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम पे भी ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और वो हमारा इंडियन कल्चर है ना। मुझे लगता है कि ये जो सेम सेक्स मैरिज का कल्चर है ना, ये एक अमेरिकन एलिटिस्ट कल्चर है जो इंडिया के अंदर या तो इम्पोर्ट किया जा रहा है, ज़बरदस्ती से ठूसने की कोशिश की जा रही है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर देखो ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे बायोलॉजिकल देखो ना, कितनी सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ठीक है, जो ट्रांसमिट गोनोरिया हो गया और कई सारी मंकी पॉक्स डिसीज़ है। आप समझते हैं, कहीं ना कहीं आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल, कहीं ना कहीं मेडिकली अफेक्टेड भी होंगे। बिल्कुल होंगे। ये रिलेशन शॉर्ट लिव्ड भी हो सकता है। अभी आप देखो ना, अभी जो मंकी पॉक्स वायरस इतना अफ्रीका वगैरह में हो रहा था, उसका मेन रीज़न क्या था? ठीक है, मैन टू मैन सेक्स उसका मेन रीज़न था, ठीक है। और रही बात इसकी राइट टू फ्रीडम की, तो राइट टू फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, राइट टू फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। यस, आप सुप्रीम कोर्ट को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, जैसे मैं मैटर चला आ रहा है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को, उसको क्या व्यू लेना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को एक बात, लॉ स्टूडेंट आप, एक आईएएस के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, आपकी प्रेफरेंस, आपकी आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आज की डेट के अंदर जो है। सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि एक एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही बैलेंस मुझे लगता है एक व्यू लेना चाहिए इस पर, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके इस पर डिस्कशन करना चाहिए। एक एडवांटेज बता दीजिए इसका, एक एडवांटेज क्या है? एक एडवांटेज यही है कि सोसाइटी के अंदर जो जो सेक्सुअली जो सेम सेक्स वाले लोग हैं, उनके जो क्या करते हैं बढ़ती प्रक्रियाएं हैं, या समाज में जिस तरह की वो डिमांड कर रहे हैं, उनके पास वो डिमांड ही पूरी हो सकती है, और तो कोई फ़ायदा मुझे ऐसा लगता नहीं पर्सनली। क्या डिमांड हो सकती है इनकी, आखिर ऐसी कौन सी डिमांड है जो समाज इनकी डिमांड पूरी नहीं कर रहा था, अब ये नई डिमांड के लिए निकले हैं? वही है कि साथ में रहना है और क्या है, तो फ्रीडम है ना, इसका अल्टीमेट एक फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ सेक्स, फ्रीडम ऑफ सेक्स का नाम ही क्यों देना है? हाँ। सेक्स का नाम क्यों देना है? या दो लड़के साथ में रहते नहीं है, दोस्त भी तो हो सकते हैं, उसका सेक्स का नाम क्यों देना है? नहीं, वो उनका अगर उनके बीच में सेक्स है तो गवर्नमेंट ने आर्टिकल 377 हटा दो, डिक्रिमिनलाइज हो तो गया, और क्या चाहिए? मुझे लगता है बहुत है इतना, इंडियन सोसाइटी के हिसाब से समाज इसको एक्सेप्ट कर लेगा आसानी से? देखो समाज हर तरह, समाज में ना दो एलिमेंट हमेशा पाए जाते हैं, एक एक्सेप्ट करता है, एक यूनिवर्सल कुछ भी नहीं होता, कुछ भी यूनिवर्सल नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्सेप्ट भी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। थैंक यू। कितनी उम्र है आपकी? 25 ईयर्स। नहीं सर अभी सेम सेक्स नहीं, मेरे ख्याल से कि सेम सेक्स मैरिज शुड बी, ये कोई सोसाइटी के ऊपर अगर हम ऐसा डालते हैं कि, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट पे भी ये मैटर है, तो हमें ये बस इतना समझना चाहिए कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर के अगर आप अडॉप्शन, चाइल्ड अडॉप्शन पे जाते हैं उसके बाद, क्योंकि ऑफकोर्स बायोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है, और अगर खुदा ने सबको एक तरह से बनाना ही था तो इतनी डाइवर्सिटी क्यों रखते हैं? डाइवर्सिटी रखी है तो वो होता है, देखिए एक एक केवल एक मेंटल ये बायोलॉजिकल ये बना हुआ है। एक एडवांटेज सेम सेक्स मैरिज का, सेम सेक्स मैरिज में केवल और केवल लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, केवल और केवल और इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि वो खुद का डिसीजन खुद के हिसाब से ले सकते हैं, उसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे ये सही है, सोसाइटिकल लेवल पे ये उतना प्रैक्टिकल स्टेप नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि एक कंक्लूजन पर पहुँचने से पहले उसको ये भी कंसिडर करना चाहिए?
देखिए, कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले उसको ये कंसिडर करना चाहिए कि हम लोग को अभी आज के जनरेशन से ज़्यादा आने वाले जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए। प्रेजेंट जनरेशन जैसे भी है, प्रेजेंट जनरेशन हमें, अगर हम ऐसे बच्चों को पलता देखते हैं जो जिसमें दोनों पेरेंट सेम हैं, क्योंकि हर माँ बाप का, माँ का अलग रोल होता है, बाप का अलग रोल होता है, और वो दोनों चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके बच्चा अपना एक मेंटल वेलबींग बनाता है, अपने सोसाइटिकल स्टेटस को बनाता है, और आगे जा करके दोनों के गुण जब उसको पता रहते हैं तो सोसाइटी को अच्छे से समझ सकता है। आपने समझ, ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप होगा। बिल्कुल, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप होगा। सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप ज़्यादातर, मैं यूज़ कर रहा हूँ टर्म, ज़्यादातर सेक्सुअल डिज़ायर से ज़्यादातर प्रेरित होते हैं। ठीक है, एक सेक्सुअल डिज़ायर आता है, एक सेक्सुअल अर्ज आता है, और आपको सेम सेक्स की तरफ जो है अट्रैक्शन होती है। तो हो सकता है कि क्योंकि सेक्सुअल डिज़ायर से अगर लेड है तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड हो जाता है उस केस में, क्योंकि अगर ये कहें कि अगर आप एक सपोर्ट सिस्टम है या फिर जैसे तो आप इस प्रकार के कपल को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो ऑलरेडी मेरी इस बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को, इन कपल्स को क्या आप लोग सजेस्ट करना चाहेंगे, उनको मार्गदर्शन क्या देना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि अभी तो 377 हट गया है, तो अब सिंपल चीज़ है कि उनको रिलेशनशिप में रहने से तो कोई नहीं रोक सकता, और उन्हें रहना भी चाहिए। वो उनको मेरे ख्याल से जितना भी सोसाइटिकल क्या प्रिकॉशंस बोल रहे हैं इस प्रकार के कपल्स जो, देखिए ऐसे लेवल पे पहले तो या तो खुद को टाइम दें, खुद को समझ लें। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको अट्रैक्शन किसी से फील हो रहा है, ठीक है भाई, आप रह के देख लो। रिलेशनशिप का मतलब यही है कि आप रह के देख लो, 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी आपको ट्राई करना। आपने समझिए कि भेड़ चाल चली आ रही है जी। भेड़ चाल तो है, देखिए पहली बात तो ये ना, कुछ लोग तो हो सकता है कि सच में उनका बायोलॉजिकल कुछ ऐसा लोचा हो कि वो जैसा जा कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है ना कि अपने इंडिविजुअलिज्म को, अपने लिबरलिज्म को ज़्यादा दिखाने के चक्कर में भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते 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 खुद भी इसके उसमें घेरे में आ जाए। सेम सेक्स मैरिज के बारे में आपकी क्या रिएक्शन है, क्या ये समाज के लिए अच्छा है, सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल वालों को नमस्कार करना चाहूँगा। मैं DU का स्टूडेंट हूँ, और रही बात सेम सेक्स मैरिज की, तो देखिए उनकी अपनी प्रतिष्ठा होती है, उनका अपना एक सम्मान होता है, उनकी भी एक गरिमा होती है, तो ये सब देखते हुए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, मेरे ख्याल से, मेरा ये मतलब विचार है। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट कुछ नहीं है, मैंने बताया उनकी भी एक गरिमा है, उनकी भी एक महत्वाकांक्षाएँ हैं, तो किसी की महत्वाकांक्षाओं को दबाना नहीं चाहिए, उनका एक विचार कर रहा है तो उसमें जीने देना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत। पैरामाउंट जो है इसके अंदर सेक्स है, इसका मतलब ये हुआ? देखिए सेक्स एक अनुभूति होती है, एक फीलिंग होती है, जिसको एक गलत वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सुख की प्राप्ति एक प्रकार से कह सकते हैं, अगर उसको सही तरीके से देखे तब, तो उसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। समाज इसको कब तक, कहाँ तक एक्सेप्ट करेगा? देखिए सबसे बड़ी बात है शिक्षित, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक हमारे युवा वर्ग, हमारे सभी वर्ग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वो किसी की भावनाओं को समझ नहीं सकते, वो ऐसे ही ठेस पहुंचाते रहेंगे, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे सोशल फैब्रिक को ख़राब नहीं कर रहा? सोशल फैब्रिक को मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर शिक्षा हमारे समाज में जैसे जैसे आएगी तो ये उतना ख़राब तो मैं नहीं कह सकता। जब आपका मतलब है कि सेम सेक्स मैरिज ये ख़राब नहीं है समाज के लिए? जी बिल्कुल नहीं, मेरे विचार से बिल्कुल ख़राब नहीं है, बिल्कुल। इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है, क्या आप लोग इसके अंदर मेरिट्स देखते हैं? मेरिट्स देखिए, दो व्यक्ति अगर खुश रहना चाहते हो तो इससे बड़ी मेरिट्स की क्या बात हो सकती है? दो इंसान है आखिर, वो भी तो इंसान है, अगर वो खुश रहना चाह रहे हैं तो इसमें इससे बड़ा मेरिट और क्या हो सकता है, बस यही मेरिट है। मेडिकली आपको कहीं ना कहीं इन लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा? मेडिकली तो देखिए हर चीज़ का मेडिकल वैल्यू भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आप किसी से प्यार इश्क मोहब्बत जो भी कर रहे हो तो हर चीज़ में आप मेडिकल नहीं देखना चाहिए। आपने समझते ये रिलेशनशिप एक शॉर्ट लिव्ड होगी? शॉर्ट लिव में मुझे उतना अंदाज़ा तो नहीं इस विषय में, लेकिन शॉर्ट लिव भी होनी चाहिए, लेकिन उनकी अगर होगी, अगर वो उस चीज़ से खुश हैं, उस चीज़ से संतुष्ट हैं, तो मेरे ख्याल से पूर्ण सहमति देनी चाहिए। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जी अभी 21 साल है। अगर आपको मौका लगे क्या आप भी सेम सेक्स मैरिज करेंगे? मैं बता रहा हूँ इसमें एक हार्मोन्स होता है सर, है ना, तो किसी और की फीलिंग किसी के प्रति अटैच होती है, तो इसमें हमारी फीलिंग की बात आती है, अगर हमारी फीलिंग किसी मेल के प्रति होगी तो बिल्कुल करेंगे, इसमें क्या शर्म की बात है। नहीं, आई एम इन फेवर। इसका एक एडवांटेज बताएंगे क्या है? देयर इज नॉट एडवांटेज, बेसिकली दे आर हैप्पी टुगेदर, दैट्स व्हाई दे आर टुगेदर। इफ आई एम विद माय पार्टनर इन फ्यूचर
दैट्स ओनली बिकॉज आई एम हैप्पी विद देम ना. आपको समाज एक्सेप्ट करेगा? मुझे क्यों? ऐसे लोगों को, ऐसे कपल्स को करना चाहिए, आई वुड से करना चाहिए. इंडियन सोसाइटी को चेंज तो होना ही पड़ेगा ना. इंडियन सोसाइटी को चेंज तो होना पड़ेगा. फॉरेन में तो होता ही है. फ्रीडम किस प्रकार की है? घूमने की फ्रीडम है या फ्री सेक्स की फ्रीडम है? नहीं, बेसिकली ये दो सेम सेक्स के लोग साथ हैं, इस चीज़ की फ्रीडम है. एक लीगल ठप्पा है कि भाई हम लोग साथ हैं, फिर बाद में कोई गंदी नज़रों से ना देखे. और अगर गंदी नज़रों से देख भी रहे तो सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते. बट ऐसे लोगों को क्या मकान किराए पर कोई देगा? देना ही चाहिए, देना ही चाहिए. इसमें गलत क्या है? क्या LGBTQ सोसाइटी हमने वो करी हुई है, इसका इतना दिन रात इतना सपोर्ट चल रहा है, तो वाई नॉट? होनी चाहिए, डिपेंड करता है उस पर. आप इसकी फेवर करते हैं? फेवर करते हैं. क्या ये सोशल फैब्रिक को ख़राब नहीं करेगी, सामाजिक ढांचे को ख़राब नहीं करेगी? हमारे पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ये सब, सेम सेक्स मैरिज. इसके अंदर एक प्लस पॉइंट बताइए, इसका ये फ़ायदा होने जा रहा है, सेम सेक्स मैरिज का एक बेनिफिट बता दीजिए क्या है? सोशल इंटीग्रेशन, लोगों के बीच में सोशल इंटीग्रेशन होगा, एक दूसरे के प्रति जो थर्ड जेंडर हैं उनके प्रति सद्भावना व्यक्त होगी. क्या आप भी, अगर खुद मौका लगे तो क्या आप भी सेम सेक्स मैरिज करना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसके प्रति नहीं है. मैं अब जिस इंटरेस्ट के प्रति हूँ, जिस सेक्स के प्रति इंटरेस्ट मेरा होगा उसके प्रति मैं करूँगा. आप क्या समझते हैं कि क्या समाज इसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, क्योंकि हमारा समाज ऑर्थोडॉक्स है और कंजर्वेटिव है, तो इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होगी. एक फ़ायदा बता दीजिएगा कि सेम सेक्स मैरिज का ये बेनिफिट है जी, समाज इवन किराए का मकान देने के लिए राज़ी होगा? सर ये जरूर, ये तो इसके लिए जरूरी है सर, समाज को पढ़ाना जरूरी है ना सर. वो तो कुछ जो ऐसा है, आपके पेरेंट्स के क्या, आज जो पेरेंट्स जो हैं क्या उसको अलाउ करेंगे अपने बच्चों को इस प्रकार की मैरिज के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि हम तो बता रहे हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ऑर्थोडॉक्स टाइप में. हाँ, कंजर्वेटिव सोसाइटी है सर, तो इतनी जल्दी तो नहीं करेगा. पर हाँ, ये हम लोग कहना चाहेंगे कि क्या सेम सेक्स मैरिज जो है इसका एक बेनिफिट, एक फ़ायदा बता दीजिए क्या होने वाला? सो ऑल अबाउट पर्सनल लिबर्टी, लाइक पीपल कैन चूज whatever it is, like we are on a growing stage, we are in a modern state, so I stand by same sex marriage. Iska future prospects kya hai? So as I said, like it's debatable topic what will be the future aspect, but every individual has his or her liberty to choose her opposite sex. Apne samajhte ye hamare social fabric ko kharab karegi? There is nothing like social fabric. We like, if you are taking Indian society, we were once patriarchal. It's all evolving, no? Time changes, people changes, the way we think, the way we take things, everything changes. It's evolving. वैसे इसके पीछे concept क्या है? Concept regarding concept जो आज जो युवा पीढ़ी है वो same sex marriage को पर जाना जा रही है, कुछ तो concept हो गया, कुछ तो foundation होगी. I don't have any particular concept. It evolves, like from person to person it varies, so it's all about person's choice, liberty. If you are comfortable with having a person with same sex marriage, aap nahi samajhte ki 6 months 2 months do saal baad ye nacha utar jayega, is sab cheezon ko wo khud galti mehsoos karenge, humne galti ki sab cheezon ke bare mein, ye short lived relationship nahi hone wali? No, it's all a debatable topic, like time decides, no? Over time it might change, customs change, so it's a debatable topic as far as I'm concerned. Ma'am, whether you support same sex marriage? Yeah, yes, I do support. You support? Yeah. Reason? Because everybody has their own ethical ways to any express. Any advantage? Yeah, there are many advantages because people will not, means people will not hide their feelings. They will express it freely. And the society will permit? Yeah, somebody in India, it is hard to say that society will permit. But yes, somewhere people will permit and somewhere people won't. And it depends on the ethics of the people that there are. What you will advise to suggest to take? Precautions in this regard. Precautions, yes, precautions should be taken. Like
people, those who are engaged in this bisexual and same-sex marriage, they must, they must not hide themselves. They should come forward. They should say to the government that yes, we have. They should take a step for their own self. And whether it will not destroy the social fabric. What social fabric? Yeah. It will not destroy all these things. What we have is long history of the culture. No, actually now we are in 21st century and we should not think about that this long history and this legacy. We should abolish it because there are so many things we have already abolished. So this is things that if people are engaged in this, so we should accept it. We should not deny it. So primarily, ultimately, your view, it should continue. Yeah, it should continue because actually this is what we cannot destroy. This is ये भेड़ चाल नहीं हो रही. भेड़ चाल. What do you say? I think so, sir. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी सोसाइटी में ना दो तरह के पहलू चलते हैं. कोई एक्सेप्ट करता है, कोई उसको रिजेक्ट करता है. न्यूट्रल मिडिल पाथ सर बहुत कम लोग अपना पाते हैं, जो बुद्धा का होता है बेसिकली. तो सुप्रीम कोर्ट को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, बिफोर रिकॉग्नाइजेशन ऑल दीज थिंग्स, दे मस्ट टेक प्रिकॉशंस. सर प्रिकॉशंस क्या सर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखा है कि हमारे यहाँ तीन तरीके से मैरिज को हम अडॉप्ट करते हैं लीगली. हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड मुस्लिम सक्सेशन एंड स्पेशल मैरिज एक्ट. वो डिफाइन करता है कि हम अलग अलग रिलीजियस जो होते हैं, रिलीजन से आते हुए लोग भी शादी कर सकते हैं. तो मे बी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि न्यू क्लासिफिकेशन, दिस इज अ न्यू क्लास सर. दैट क्लास इज अल्टीमेट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी इटसेल्फ, फीमेल मेल एंड अदर्स. बट दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, इट इज अ न्यू रिलेशनशिप. हाउ सोसाइटी कैन एक्सेप्ट दिस सर? आई थिंक सो कि सोसाइटी मस्ट बी एक्सेप्टेड इट, बट सर इट टेक्स टाइम. बिकॉज एवरी थिंग इट टेक टाइम ना सर. बिफोर वी सी दैट देर इज़ अ प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 377, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें एलिगेशंस वगैरह लगाए गए सारे, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को वो आना पड़ा कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है इस प्रकार के रिलेशनशिप के ऊपर, क्या फाउंडेशन है. कोई भी चीज़ अगर होती है उसकी एक फाउंडेशन होती है, एक कंसेप्ट होता है. कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ फीलिंग आई थिंक सो. बिकॉज देर इज अ नो एनी बाउंडेशन ऑन लव सर. पीपल अट्रैक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, एनाटॉमी एंड ऑल्सो, दैट्स वाई देर इज अ आई डोंट थिंक सो कि कोई इसके अंदर कंसेप्ट होगा सर. सेम सेक्स मैरिज जो है, वेदर आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते? सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड. नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर इसको रिकॉग्नाइज भी कर दे तो उसके बाद क्या समाज इसको रिकॉग्नाइज, समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? समाज करे ना करे, सुप्रीम कोर्ट करना चाहिए. ऐसा नहीं कि मतलब अब वो कोई चीज़ आप पब्लिक में ना करिए. देखिए सेक्स एक ऐसी चीज़ है ना जो आप पब्लिक में नहीं करना चाहते. प्राइवेट में कोई भी कुछ भी कर रहा है तो उससे उसको लेना देना नहीं चाहिए. गलत है मतलब कि आप इस तरह मतलब सबके सामने नहीं करना चाहिए. लेकिन हाँ, क्योंकि हर चीज़ प्राइवेट होनी चाहिए, तो वो मैं लोगों को ये पता चलेगा कि ये सेम सेक्स मैरिज वाले कपल हैं, क्या उनको समाज, क्या उनको कोई किराए का मकान भी इवन देगा? देगा तो नहीं, लेकिन अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उसमें मैं कह नहीं सकता कुछ. कोई इसका एक प्लस पॉइंट बता दीजिएगा सेम सेक्स मैरिज का. लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड. किसका फायदा? सेम सेक्स मैरिज, एक बेनिफिट, एक फायदा. राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्री सेक्स, ये भी कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, बट इट इज अगेंस्ट आवर कल्चर. फायदा तो नहीं है, हमारे कल्चर के अगेंस्ट में है. हमारी ये सोशल फैब्रिक को खराब नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा खराब. आपकी उम्र कितनी है? 25. क्या आप, अगर आपके सामने ऐसा मुद्दा आए, क्या आप अपने पेरेंट्स को, समाज को, क्या आप लोग इसकी खिलाफत कर सकेंगे आप? नहीं नहीं, मैं तो उसके अगेंस्ट में हूँ. मैं क्यों? आप अगेंस्ट हैं. आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम सर्वेश्वर है. सर्वेश्वर, आप एडवोकेट हैं? हाँ हाँ, आई एम अ लॉयर. आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो चला आ रहा है, इस पहली बार इसका कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे फाउंडेशन क्या है? सी व्हाट इज देयर इज, कि मतलब अभी जो चल रहा है वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हम इसको सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो अभी मुद्दा यही चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसको हियर कर रहा है.
अगर सुप्रीम कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज भी कर देता, क्या समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं, समाज भी नहीं करेगा, और मुझे लग रहा है कि संसद में भी हम बिल ला के इसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम ओवरटर्न कर सकते हैं। तो इसका एक फ़ायदा बताइएगा कि सेम सेक्स मैरिज का एक बेनिफिट क्या? हम आर्टिकल 21 को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, जो कि पर्सनल लाइफ और लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो सबसे बड़ी तो जो मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड टू मेक चॉइसेस प्रेफरेंसेस अबाउट मैरिज, तो वो हम समझिए सारा का सारा वायलेट करेगा हमारे जो सोशल कल्चर है जो हज़ारों साल से बना हुआ है। हाँ, तो देर आर प्रोज एंड कॉन्स, तो उसका कॉन्स ज़्यादा है बेनिफिट्स से कम। ये वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा नहीं स्वीकार है अभी। तो आपको मौका लगेगा, आप सेम सेक्स मैरिज करेंगे? नहीं, आप नहीं करेंगे। लोगों को कहते हो करें, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप सेम सेक्स मैरिज करना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप सेम सेक्स मैरिज करना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप सेम सेक्स मैरिज करना पसंद करेंगे? नहीं। आप सेम सेक्स मैरिज करना पसंद करेंगे मैम? आई एम स्ट्रेट बाय द वे, बट आई विल सपोर्ट देम। आप लेकिन खुद शादी नहीं करेंगे? Why will I if I'm not living in that kind of sexuality? आप क्या करना चाहेंगे बेटा? सेम। मैम, क्या आप सेम सेक्स मैरिज को यस कहते हैं? चाहिए? नो। 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 आपका कहना सेम सेक्स एजुकेशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतना बड़ा इशू बना हुआ है, वो चला आ रहा है कि क्या समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? यस। समाज एक्सेप्ट करेगा? आप इसके हक में हैं? आपके पेरेंट्स इसके हक में आ जाएंगे? जाना चाहिए। इट इज़ एक्चुअली अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स, बट आई थिंक जो हमारे सोसाइटी में जो टेबोइज़म बना हुआ आ रहा है सर, उस चक्कर में हम अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी लोगों में ज़रूरत है सेम सेक्स मैरिज। हाँ, ज़रूरत तो है सर, क्योंकि आज की ज़रूरत है सेम सेक्स मैरिज। नो कमेंट, सॉरी। Yes, obviously. What is the advantage of this? No, it's not an advantage. They're feeling. That is their feeling. No one can decide our sexuality, na? So they're feeling. Any single advantage? So it's not kind of advantages or disadvantages. Their emotions, their feeling. If they want, na? Whether society will permit? I think no, because our society is in a very very backward in our society compared to the western side. So it need if we need to allow na, most of them start to educate. What you will suggest to the such type of a couples? What they should take the precaution? I don't have any suggestion like this, because it's their independence, our rights also. Personal perspective. It depends on. What is your opinion? Yeah, it's okay, no issue. Generally or specifically, deadly you sport? I'm not so passionate about it, but okay. Yeah. What do you say? Sport? इट्स फाइन इफ इंडिविजुअल इज फाइन, मतलब अगर किसी कोई प्रॉब्लम नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इन द लाइट ऑफ ए सोसाइटी, इन द लाइट ऑफ ए फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, वैसे सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर इंडिविजुअल कंफर्टेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज। कोई एनी एडवांटेज ऑफ दिस? आई थिंक एनी एडवांटेज, सिंगल एडवांटेज, पॉपुलेशन कंट्रोल, व्हाट कैन आई से, एंड एडॉप्टेशन, उससे एडॉप्टेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, ये एक बेनिफिट हो सकता है। व्हाट दैट्स व्हाट आई थिंक, नथिंग एल्स। वो जो बाप जो गाना गाएगा बाबुल की दुआएं लेती जा, वो गाना कौन गाएगा अब? उसमें वो तो अडॉप्ट करके भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि वो बायोलॉजिकल चाइल्ड हो तभी गाया जाए, वो तो गाने के लिए तो किसी के लिए भी गाया जा सकता है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करते हैं? हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों को समाज एक्सेप्ट करेगा आसानी से? नहीं, आसानी से तो नहीं करेगा, क्योंकि हमारी कल्चर बहुत ओल्ड है इंडियन कल्चर में। तो ये चोरी छिपे ही अल्टीमेटली कुछ ना कोई फंक्शन करेंगे, सोशल गैदरिंग होगी, खुलेआम तो ये भी नहीं कर सकते? अगर कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे तो कर सकते हैं। देखिएगा, सीक्रेटली अपने जो भी फंक्शन करते हैं, जो अपनी मीटिंग अरेंज करते हैं, ये सब की सब सीक्रेटली हो रही है, ओपनली, क्योंकि उसका मालूम है कि समाज इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन ऐसे लोगों को मकान भी किराए पर नहीं मिलेगा। हाँ, वो लेकिन वो धीरे धीरे होगा ना, वो अचानक से कोई चीज़ हो नहीं सकती है, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। अगर ऐसी बात, अगर कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रोवाइड करेगी, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसको रिकॉग्नाइज कर दे तो इसी बेसिस के ऊपर क्या समाज भी उसको एक्सेप्ट कर जाएगा क्या? मतलब
अगर एक स्ट्रिक्ट लॉ उसके ऊपर ला लिया जाए, अगर इसको कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जैसे पहले चाइल्ड मैरिज था करते थे, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट सती भी था, हाँ सब भी सब कुछ था, जैसे सती सिस्टम था, बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब ऑर्डर लॉ किया, अभी पूरा रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक एक लिमिट तक तो कम हो चुका है, वैसे धीरे धीरे समाज भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं? सर हमारे सपोर्ट करने या नहीं करने से तो कुछ नहीं होता, एज अ सिविल सोसाइटी सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। नमस्कार, मैं एडवोकेट वीके आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।